Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed all these topics. In the last lecture, we discussed how to design bolts for a single cover butt joint and for a lap joint. So if you want to refer to those numerical problems, please refer to the previous two videos. In today's lecture, we'll be discussing the same question using a double cover butt joint. So देखते हैं, design the following joints using ordinary black bolts between two plates of width 200 mm and thicknesses 10 mm and 18 mm respectively to transmit an unfactored load of 100 kN. अब आपके पास कौन कौन से जॉइंट्स हैं? लैप जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट विद कवर प्लेट ऑफ 8 mm और डबल कवर बट जॉइंट विद कवर प्लेट्स ऑफ 8 mm. यूज FE 410 ग्रेड स्टील एंड M16 बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लैप जॉइंट और सिंगल कवर बट जॉइंट प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं. सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, डबल कवर बट जॉइंट. तो पहले तो गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन हमारे पास डेटा है, सबसे पहले हमें दिया गया है FU की वैल्यू. FU मतलब जो प्लेट है उसकी अल्टीमेट थिकनेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी. सो दैट इज 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फिर हमें पता है, क्योंकि हमें ग्रेड ऑफ द बोल्ट दिया है, तो हम निकाल सकते हैं FUB की वैल्यू विच इज इक्वल टू 400. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हम ऑर्डिनरी बोल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं उसको रिफर कर सकते हैं. वैसे ही हम FY की वैल्यू, FYB की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये सारा जो डेटा है ये मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया? FUB एंड FYB मैंने कैलकुलेट किया ग्रेड ऑफ बोल्ट से. नेक्स्ट हमें दिया है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट विच इज इक्वल टू 16 mm, क्योंकि हमें कौन सा बोल्ट यूज करा रहे हैं? M16 बोल्ट यूज कराया जा रहा है. तो हम कौन सा, कितना डायमीटर है उस बोल्ट का? 16 mm. और हमें इंफॉर्मेशन है कि अनफैक्टर्ड लोड जो है, अनफैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन. तो अनफैक्टर्ड लोड अगर 100 किलो न्यूटन है तो हमें पता है फैक्टर्ड लोड कैसे निकाल सकते हैं हम. We will multiply the unfactored load by a factor of 1.5 to determine the factored load. तो factored load की value कितनी है? 1.5 into 100, which is equal to 150 किलो न्यूटन. तो ये मेरे पास unfactored load है. अब हमें कुछ thicknesses दी हैं. तो thicknesses क्या क्या दे रखी है? आपको एक plate की thickness दे रखी है 18 mm, दूसरी plate की thickness दे रखी है 10 mm, T2 is 10 mm, और जो कवर प्लेट्स हैं उसकी थिकनेस दे रखी है, उसको मैं TC लिख सकती हूँ, इक्वल टू 8 mm. अगर आप देखें तो यहाँ पे दो कवर प्लेट्स यूज होंगी. दोनों कवर प्लेट्स की जो थिकनेसेस हैं वो क्या है? इक्वल टू 8 mm, क्योंकि हमें एक ही थिकनेस स्पेसिफाई की है, मतलब दोनों कवर प्लेट्स हम सेम थिकनेस की लेंगे. एक और चीज जो हमें मेंशन कर रखी है, दैट इज द विड्थ ऑफ द प्लेट. विड्थ ऑफ द प्लेट इज इक्वल टू 200 mm. तो अगर मैं यहाँ पे कोई दोनों प्लेट्स जो हैं उनकी विड्थ कितनी दे रखी है? 200 mm. तो अगर हम ये प्लेट बनाएं तो इसकी विड्थ कितनी है? दिस विड्थ इज इक्वल टू 200 mm. तो अब फिगर बनाने की कोशिश करते हैं डबल कवर बट जॉइंट किस तरीके से होगा. तो अगर मैं दो प्लेट्स बनाऊं तो एक प्लेट हमारे पास 18 mm थिक है, ये 18 mm थिक प्लेट रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी जो प्लेट है वो हमारे पास 10 mm थिक है. तो आप देख सकते हैं कि जो थिकनेस है वो दोनों प्लेट्स की डिफरेंट है. सो दिस इज 18 mm थिक और ये वाली है 10 mm थिक. दिस इज 10 mm. अब क्या है कि मैं कवर प्लेट्स अटैच करती हूँ. तो जब मैं ऊपर कवर प्लेट अटैच कर रही हूँ तो यहाँ पे तो ये कवर प्लेट अटैच करना मेरे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये एज है या इंटरफेस है दोनों प्लेट्स का वो इसके कवर प्लेट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बट अगर मैं लोअर एज पे कवर प्लेट लगाने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे एक एम्प्टीनेस रह जा रही है। ये वाला जो पोर्शन है अगर हम देखें तो ये पोर्शन खाली है। यहाँ पे अगर आप बोल्ट लगाएंगे तो हम ऑर्डिनरी बोल्ट यूज कर रहे हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट्स किससे ट्रांसमिट करते हैं लोड? फ्रिक्शन से, सॉरी बेरिंग से ट्रांसफर करते हैं। तो बेरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट एरिया चाहिए। और यहाँ पे ये क्या है? ये पोर्शन तो एम्प्टी है। तो इस केस में हमें क्या यूज करनी होगी? हमें एक पैकिंग प्लेट यूज करनी होगी, ताकि जब आप पैकिंग प्लेट लगाएंगे तो आप जो स्पेस है उसको फिल कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको फिल किया जा रहा है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ अ पैकिंग प्लेट। तो मैं यहाँ पे ये येलो से ड्रॉ कर रही हूँ, इसे बोला जाता है पैकिंग प्लेट। अब इस पैकिंग प्लेट की थिकनेस कितनी होगी? अगर ये टोटल थिकनेस 18 mm है और ये थिकनेस, इस प्लेट की थिकनेस 10 mm है, तो पैकिंग प्लेट की थिकनेस कितनी होगी? इक्वल टू 8 mm, क्योंकि ये टोटल थिकनेस किसके इक्वल होनी चाहिए? 18 mm के इक्वल होनी चाहिए ये टोटल थिकनेस। तो ये 18 mm के इक्वल कैसे होगी? 18 माइनस 10 mm इज इक्वल टू 8 mm। तो ये आई हमारे पास पैकिंग प्लेट की thickness. So this is the packing plate. तो ये हमने ध्यान रखना है कि पैकिंग प्लेट की थिकनेस कैसे कैलकुलेट होगी। जो दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस है वो किसकी थिकनेस हो जाएगी? पैकिंग प्लेट की थिकनेस हो जाएगी। अब ये पैकिंग प्लेट की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आपने लोड ट्रांसफर करना है, आप चाहते हैं कि बोल्ट जो है वो पोजिशन में रहे, आप चाहते हैं कि जो पूरा आपका जॉइंट है वो कॉम्पैक्ट जॉइंट रहे, तो उस केस के लिए आप क्या देते हैं? पैकिंग प्लेट देते हैं। ऑल्दो पैकिंग प्लेट जो है वो लोड ट्रांसफर नहीं करता, वो लोड नहीं लेगी, वो सिर्फ वहाँ पे एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। सो ये होगा हमारा डायग्राम या फिगर डबल कवर बट जॉइंट के लिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम पैकिंग प्लेट की एग्जिस्टेंस को अच्छे से समझ सकें। तो these are the bolts जो हम प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हम इस तरीके से कुछ दो बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अदर सेक्शन। अब हम निकालेंगे shear capacity of bolt। तो shear capacity of bolt के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला होता है as per clause 10.3.3। सो आई कैन राइट clause 10.3.3। अब हमें देखना है कि shear हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शेयर कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो बोल्ट है वो सिंगल शेयर में है कि डबल शेयर में है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो शेयर कहाँ एक्ट करेगा? इंटरफेस पे एक्ट करेगा, प्लेट के और जो मेन प्लेट है और कवर प्लेट के। तो कितने इंटरफेसेस हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास एक और ये है दूसरा। तो ये बोल्ट कितने कैसे शेयर में है? ये डबल शेयर में है। वैसे ही यहाँ पे आपके पास दो इंटरफेसेस बन रहे हैं, एक इंटरफेस यहाँ पे बनेगा और दूसरा इंटरफेस यहाँ पे बनेगा। तो ये भी कितने शेयर में है? डबल शेयर में है। आप प्लीज इसको ट्रिपल शेयर ना कंसिडर करें, ये अभी भी बोल्ट किस में रहेगा? डबल शेयर में रहेगा, क्योंकि लोड ट्रांसफर यहाँ पे ये जो शेयर एक्ट करेगा वो शेयर कहाँ पे एक्ट करेगा? एट द इंटरफेस ऑफ द प्लेट एंड द कवर प्लेट। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो बोल्ट है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? डबल शेयर एक्सपीरियंस करेगा। तो डबल शेयर के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं? डबल शेयर के लिए अगर हम पहले फॉर्मूला लिखें वी एन, सिंपली हम वी एन एस बी की बात करेंगे डायरेक्टली। तो वी एन एस बी विल बी इक्वल टू एफ यू बी अपॉन रूट 3 इंटू एन एन into A N B plus N S into A S B into beta L J into beta L G and beta P K। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इन टर्म्स की N N and N S। तो अब हमने देखा था थियोरी के लेक्चर में कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एन एन को 1 अज्यूम कर लूँ और एन एस को भी क्या कर लूँ? वन अज्यूम कर लूँ, एक ऑप्शन तो आपके पास ये अवेलेबल है ऑप्शन वन, और दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन है कि मैं एन एन को 2 अज्यूम कर लूँ, एन एन इज इक्वल टू 2 एंड एन एस इज इक्वल टू 0. अब इनमें से कंजर्वेटिव ऑप्शन मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कौन सी ऑप्शन का ज्यादा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस ऑप्शन का ज्यादा है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो बोल्ट है उसमें दोनों शेयर प्लेन्स जो हैं वो थ्रेडेड पोर्शन में आ रहे हैं. जब हम थ्रेडेड पोर्शन में अज्यूम करते हैं मतलब हम जो एरिया अज्यूम कर रहे हैं वो एरिया कैसा एरिया है, कम एरिया है, एरिया कम है मतलब आप वीएनएसपी की वैल्यू भी, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या अज्यूम कर रहे हैं, कम कैलकुलेट कर रहे हैं, कम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप डिजाइन स्ट्रेंथ भी क्या कर रहे हैं, कम कैलकुलेट कर रहे हैं. ये कम कैलकुलेट करके हमें क्या फायदा रहता है कि अगर कभी लोड इंक्रीज कर जाए और आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है बोल्ट की वो ज्यादा है तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर लिया है, इनडायरेक्टली इंक्रीज कर लिया है. तो क्योंकि इस केस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है और हमारी कैलकुलेशन भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अब मुझे एएसपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मेरा एक स्टेप भी रिड्यूस हो गया. इसलिए मैं क्या करूंगी, एन एन इज इक्वल टू 2 अज्यूम कर लूंगी. सो आई एम अज्यूमिंग एन एन इज इक्वल टू 2. So NN is equal to 2 and NS is equal to 0. So अब मैं A N B कैलकुलेट कर लेती हूँ. A N B will be equal to 0.78 into pi by 4 D square. So that is equal to 0.78 into pi by 4 into 16 square, which is equal to 156.83 mm square. तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द नेट टेंसाइल एरिया. सो यहाँ पे नेट शेयर एरिया या नेट टेंसाइल एरिया इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रूट डायमीटर ऑफ द थ्रेड. तो ये फैक्टर हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन द रूट डायमीटर ऑफ द थ्रेड. सो ए एन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब बात करते हैं इन फैक्टर्स की. एफ यू बी की वैल्यू हमें पता है, बोल्ट का क्या अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करा था. एफ यू बी की वैल्यू कितनी है, 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, क्योंकि हम 4.6 ग्रेड का बोल्ट यूज कर रहे हैं. अब जब हम इन रिडक्शन फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बीटा एल जे. तो बीटा एल जे को मैं कितना अज्यूम कर रही हूँ, 1 अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जॉइंट की जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, तो जॉइंट लेंथ इज नॉट गिवन. नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा एल जी. तो बीटा एल जी जो है वो डिपेंड करता है ग्रिप लेंथ पे. तो वो ग्रिप लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रिप लेंथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे पहले तो वो बोलता है कि ग्रिप लेंथ आपकी 5 times डायमीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए. तो क्या कंडीशन है कि अगर आपकी ग्रिप लेंथ जो है वो लेस देन 5D है तो उस केस में बीटा एल जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. तो हम पहले देखेंगे कि हम इस कंडीशन में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं. सो एल जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल जी विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ ऑल द प्लेट्स. तो पूरे जॉइंट की थिकनेस हमने कैलकुलेट करनी है. टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे से लेके यहाँ तक. तो हमारे पास टोटल थिकनेस है, LG की वैल्यू है एक कवर प्लेट 8 mm की, फिर 18 mm की आपके पास मेन प्लेट है और फिर से 8 mm की कवर प्लेट है. सो दिस इक्वल्स टू 34 mm. तो ये हो गया हमारा टोटल ग्रिप लेंथ. तो अगर हम LG की बात करें सो दिस इज इक्वल टू 34 mm. कैसे आया, 8 mm की कवर प्लेट प्लस 18 mm की मेन प्लेट प्लस 8 mm की फिर से कवर प्लेट. तो 5D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 5D विल बी इक्वल टू 5 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 80 mm. तो मैं देख सकती हूँ कि LG जो है वो लेस देन है 5D, क्योंकि 34 इज लेस देन 80. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, बीटा एल जी इज इक्वल टू 1. तो ये हो गई हमारी बीटा एल जी की बात. अब बात करते हैं बीटा पी के की. बीटा पी के क्या है? बीटा पी के इज द रिडक्शन फैक्टर फॉर अ पैकिंग प्लेट. अब हम पैकिंग प्लेट यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, तो मतलब क्योंकि अगर ये पैकिंग प्लेट यूज हो रही है तो हमें ये फैक्टर भी यूज करना होगा. और इस फैक्टर की क्या कंडीशन है? एज पर क्लॉज 10.3.3.3 जो पैकिंग प्लेट्स हैं उनको आपको क्या करना होगा? रिडक्शन फैक्टर. पर कब लगाएंगे आप पैकिंग प्लेट के लिए रिडक्शन फैक्टर? अगर आपकी पैकिंग प्लेट जो है वो 6 mm से ज़्यादा थिक है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी पैकिंग प्लेट का साइज क्या है. अगर 6 mm से पतली पैकिंग प्लेट है तो रिडक्शन फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर 6 mm से बड़ी है तो आपको पैकिंग प्लेट लगाने की ज़रूरत है. तो हमारी जो गिवन पैकिंग प्लेट है जो हमने कैलकुलेट करी थी, वो थिकनेस थी उस पैकिंग प्लेट की 8 mm. तो 8 mm है विच इज़ ग्रेटर दैन 6 mm. मतलब बीटा पी के की जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी. और बीटा पी के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला दिया है? हमें बोला है बीटा पी के इज इक्वल टू 1 - 0.0125 टाइम्स थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट, थिकनेस ऑफ पी के. सो 1 - 0.0125 इंटू 8 mm. सो दिस comes out to be equal to 0.9. तो बीटा पी के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बीटा पी के इज इक्वल टू 0.9. तो वापस चलते हैं अपने फॉर्मूले पे जो हमने कैलकुलेट किया था. इस फॉर्मूले में हम बोल सकते हैं कि बीटा एल जे तो है वो किसके इक्वल हो गया? 1 के. बीटा एल जी भी किसके इक्वल हो गया? 1 के. पर जो बीटा पी के है उसकी वैल्यू है इक्वल टू 0.9. तो ये हमें ध्यान में रखना है. अब अगर मैं फिर से ये वैल्यू लिखती हूँ तो आई कैन राइट BNSB विल बी इक्वल टू FUB इज 400 डिवाइडेड बाय √3 इंटू NN हमने 2 अज्यूम किया है, ANB हमने 156.83 कैलकुलेट किया है, NS हमने 0 अज्यूम करा है तो ये 0 हो गया पूरा टर्म. बीटा पी के बीटा एल जे 1 है, बीटा एल जी 1 है और बीटा पी के की वैल्यू कितनी है? 0.9. सो आई कैन से VNSB इज इक्वल टू 65193 न्यूटन. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है VNSB की. अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें तो कैलकुलेट करना होता है VDSB. तो VDSB के लिए हमारे पास फॉर्मूला है VDSB इज इक्वल टू VNSB डिवाइडेड बाय गामा एम बी. और टेबल 5 हमें बताता है कि गामा एम बी किसके इक्वल है? 1.25. ये कहाँ से पता चला मुझे? टेबल 5 से पता चला IS 800-2007 के. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू 65193 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 52154.4 न्यूटन. तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकती हूँ. तो इट कैन बी 52.15 इंटू 10³ न्यूटन या फिर सिंपली 52.15 किलो न्यूटन. तो ये वैल्यू है VDSB की हमारे पास. तो VDSB की वैल्यू आ गई. ये किसकी वैल्यू है? ये पर बोल्ट वैल्यू है शेयर स्ट्रेंथ की, हमारे एक बोल्ट की. तो दिस इज फॉर शेयर स्ट्रेंथ पर बोल्ट. ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है बेयरिंग कैपेसिटी. तो बेयरिंग कैपेसिटी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम रेफर करेंगे क्लॉज 10.3.4 को. तो क्लॉज 10.3.4 हमें बोलता है कि आपके पास VDPB कैलकुलेट करने के लिए VNPB बाई गामा एम बी का फॉर्मूला है. और VNPB दैट इज नॉमिनल बेयरिंग कैपेसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू टी इंटू एफ यू, तो मैं लिख सकती हूँ वी एन पी बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। अब हमें केबी के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें एंड और पिच डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होंगे केबी कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ क्लॉजेस रेफर करूंगी, क्लॉज 10.2.2 से मुझे पता चलता है मिनिमम पिच, सो आई कैन कैलकुलेट पिच मिनिमम विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू डी। तो 2.5 into D means 2.5 into 16 which is equal to 40 mm. तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम पिच। अब हम पिच मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द क्लॉज 10.2.3.2। सो ये क्लॉजेस लिखना बहुत ज़रूरी है, हम टेंशन में मान रहे हैं अपने फिगर को या जॉइंट को, तो मैं क्या लूँगी 16T और 200 mm, तो जो भी इनमें से क्या होगा लीस्ट वैल्यू होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है उसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट थिकनेस है हमारे पास 8 mm की, क्योंकि कवर प्लेट कितनी थिक है 8 mm की। तो आपके पास टी मिनिमम कितना हो जाता है, टी मिनिमम इज इक्वल टू 8 mm। ये ध्यान रखें हम इस कैलकुलेशन में पैकिंग प्लेट की थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम किसकी थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं, कवर प्लेट की थिकनेस को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 8 mm। अगर पैकिंग प्लेट सपोज कीजिए 6 mm की होती तो भी हमने टी मिनिमम कितना लेना था 8 mm ही लेना था। पैकिंग प्लेट की थिकनेस इज नॉट कंसिडर्ड बाय कैलकुलेटिंग एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट जहाँ पे हम जो रिडक्शन फैक्टर है पैकिंग प्लेट का वो यूज कर रहे हैं। तो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128 mm और 200 mm, इनमें से जो भी क्या होगा लीस्ट होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि पी मैक्स की वैल्यू है इक्वल टू 128 mm। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वैल्यू चूज करनी है जो 40 से बड़ी हो और 128 से छोटी हो। तो मैं अज्यूम कर सकती हूँ वैल्यू ऑफ पिच इज इक्वल टू 70 mm, तो मैंने अज्यूम कर लिया पिच इक्वल टू 70 mm। अब हम कैलकुलेट करते हैं एज डिस्टेंसेस। एज डिस्टेंसेस के लिए हम एज या एंड डिस्टेंसेस के लिए हम क्लॉज 10.2.4.2 को रेफर करेंगे हमारे कोड के, तो वो बोलता है ई मिनिमम इज इक्वल टू 1.5 इंटू डी H, तो DH क्या है, DH है डायमीटर ऑफ द होल। तो डायमीटर ऑफ द होल कितना आ जाएगा 16 + 2 विच इज इक्वल टू 18 mm। मैंने ये 2 कहाँ से लिया, ये 2 मैंने लिया है टेबल 19 से। तो टेबल 19 जो है वो स्टैंडर्ड क्लियरेंस के होल के लिए मुझे कितनी क्लियरेंस देता है इक्वल टू 2 mm, तो मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। दिस मीन्स 1.5 into 18 is equal to 31. I'm sorry, 27. तो this is 27 mm। अब आता है हमारे पास E maximum। तो E maximum के लिए clause है हमारे पास 10.2.4.3। So that says E maximum will be equal to 12 T minimum into epsilon। तो अगर हम देखें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय एफवाई का अंडर रूट, और हम 410 ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं तो एफवाई कितना रहेगा हमारे पास 250 के इक्वल। सो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी इक्वल टू 1। सो ई मैक्स के लिए हमारे पास क्या बचा 12 इंटू टी मिनिमम इंटू एप्सिलॉन। सो 12 इंटू टी मिनिमम, अभी हमने देखा था टी मिनिमम इज 8 कवर प्लेट की थिकनेस और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 1। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 96 mm। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 96 mm। अब मैं 27 और 96 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर सकती हूँ एंड डिस्टेंस के लिए, और मैंने चूज करा है 40 mm। आप कोई और वैल्यू भी चूज कर सकते हो जो इस रेंज के विद इन फॉल कर रही है। सो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास पिच है इक्वल टू 70 mm और एंड डिस्टेंस है इक्वल टू 40 mm। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं KB की वैल्यू। KB के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं विच आर सिंपली E अपॉन 3D naught। D naught इज द डायमीटर ऑफ द होल जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया था, इक्वल टू 18 mm। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 0.74। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें KB के लिए दिया है दैट इज पिच अपॉन 3D naught माइनस 0.25। तो मैंने पिच अज्यूम करी है 70 अपॉन 3D naught। 3D naught मीन्स अपॉन 18 माइनस 0.25। दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 1.046। फिर आता है हमारे पास FUB अपॉन FU। सो FUB अपॉन FU कितना हो जाएगा, 400 अपॉन 410 विच इज इक्वल टू 0.976 एंड लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या चूज करना है, हमें इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू है उसे चूज करना है। तो मैं देख सकती हूँ कि लीस्ट वैल्यू किसके इक्वल है, 0.74 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लीस्ट मीन्स KB इज इक्वल टू 0.74। तो हमें KB की वैल्यू मिल गई। अब मैं इसको पुट कर सकती हूँ इस फॉर्मूले में VNPB के फॉर्मूले में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं FUB पे। FUB क्या है, सॉरी FU क्या है आपका 410। KB की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी इक्वल टू 0.74। D की वैल्यू हमारे पास है 16 mm। बात करते हैं T की। सो T क्या है, इट इज द लीस्ट ऑफ द थिकनेसेस ऑफ द मेन प्लेट्स एंड सम ऑफ कवर प्लेट्स। तो हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन है T के लिए। एक ऑप्शन है कि मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, तो मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, एक की है 10 mm। नेक्स्ट मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है, 18 mm। तो ये हो गया आपके पास 18 mm। और थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है सम ऑफ कवर प्लेट्स। तो जब आप कवर प्लेट्स की थिकनेसेस लेंगे तो आप कवर प्लेट 1 और कवर प्लेट 2 दोनों की थिकनेस को ऐड करेंगे। तो दोनों की थिकनेस कितनी होगी, 8 + 8 विच इज इक्वल टू 16 mm। तो इन तीनों में से मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, मुझे लीस्ट वैल्यू लेनी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि T इज द लीस्ट ऑफ द थिकनेसेस ऑफ मेन प्लेट्स एंड सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेसेस। ऑल्दो जो कोड में दे रखा है ये टर्म थोड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे कोड बोलता है समेशन ऑफ थिकनेसेस ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बेयरिंग स्ट्रेस, बट एक्चुअल में इसका क्या मतलब है कि आप इन दोनों मेन प्लेट्स को चेक कीजिए और 2 कवर प्लेट्स हैं तो दोनों के कवर प्लेट्स का सम कीजिए। अगर एक कवर प्लेट है तो आप उसको सिंपली एक ही कवर प्लेट मान सकते हैं। तो फिर आपके पास T मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10 mm। तो मैं T मिनिमम बोल सकती हूँ कितना है, 10 mm। इस केस में मैं यहाँ से T मिनिमम कैलकुलेट कर रही हूँ, जैसा पहले कर रही थी वैसा T मिनिमम नहीं ले रहे हैं हम। यहाँ पे हम अपने एक सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं T को कैलकुलेट करने के लिए। सो माई T इज इक्वल टू 10 mm। अब हम VNPB के फॉर्मूला में डाल सकते हैं वैल्यूज। तो 2.5 इंटू 0.74 इंटू 410 इंटू 16 इंटू 10। सो दिस कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 121,360 न्यूटन। अब अगर आप देखें तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो VDPB कैलकुलेट करना है। तो VDPB क्या होता है, VDPB इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB। गामा MB की वैल्यू अभी हमने देखी थी टेबल 5 से 1.25। सो आई कैन राइट 121,360 डिवाइडेड बाय 1.25 विच इज इक्वल टू 97088 न्यूटन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डायरेक्टली 97.08 किलो न्यूटन। तो VDPB की वैल्यू मेरे पास आ गई इक्वल टू 97.08 किलो न्यूटन पर बोल्ट। तो एक बोल्ट बेयरिंग में आपको कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, 97 किलो न्यूटन की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। हमें पता है कि जब भी हम बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं एज पर क्लॉज 10.3.2 आप शेयर और बेयरिंग में से जो स्ट्रेंथ की वैल्यूज मिनिमम होगी उस वैल्यू को चूज करेंगे। तो शेयर की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे 52.21 किलो न्यूटन और बेयरिंग की वैल्यू आई है 97.08 किलो न्यूटन। तो हमें पता है कौन सी वैल्यू छोटी है, शेयर की वैल्यू छोटी है। तो हम क्या लेंगे, इसमें से लीस्ट वैल्यू लेंगे और उसे क्या बोल देंगे, अपनी बोल्ट वैल्यू। सो माय बोल्ट वैल्यू इज इक्वल टू 52.21 किलो न्यूटन। सो ये इम्पोर्टेंट है, हमारे पास बोल्ट वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए हम अपना फैक्टर्ड लोड लेते हैं और उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, बोल्ट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। सो बोल्ट वैल्यू को हम BV लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड था 150 किलो न्यूटन और बोल्ट वैल्यू है 52.21 किलो न्यूटन। ये ध्यान रखना है दोनों वैल्यूज किलो न्यूटन में होनी चाहिए या न्यूटन में आप कन्वर्ट करें, मतलब दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ आई ऑब्टेन एन आंसर इक्वल टू 2.87। तो 2.87 वोल्ट्स तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम नेक्स्ट नंबर पे जा रहे थे, दैट इज 3 वोल्ट्स ले रहे थे। पर 3 वोल्ट्स प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 4 वोल्ट्स, ताकि सिमिट्री रहे। सिमिट्री के लिए अगर हम ज़्यादा बोल्ट्स प्रोवाइड करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि सिमेट्रिकल कनेक्शंस आर ऑलवेज बेटर। तो आप 4 बोल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। अब हमें पता है हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नहीं ख़त्म कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें डायग्रामेटिकली सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी होगी। सो ये हम डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 पैकिंग प्लेट्स हैं, सॉरी 2 मेन प्लेट्स हैं 18 mm और 10 mm की। 8 mm की हमने पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करी है और 8 mm की 2 कवर प्लेट्स हैं। सो दीज आर द डायमेंशंस जो आप मार्क कर सकते हैं। और मैंने 2 बोल्ट्स दिखाए हैं जब मैं एलिवेशन में देख रही हूँ, फ्रंट एलिवेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम प्लान में देखें तो हमें 4 बोल्ट्स दिखाई देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। सिमेट्री के लिए हमने 4 बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं, ऑल्दो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से 3 बोल्ट्स ही रिक्वायर्ड हैं। सिमेट्रिकल कनेक्शंस आर ऑलवेज बेटर। हमने पिच कैलकुलेट करी थी 70 mm की, तो वो प्रोवाइड कर दी है क्योंकि लोड कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमने एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस की वैल्यू सेम रखी है, जो हमने 40 mm कैलकुलेट करे थे तो वो मैंने मार्क कर दिए हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो थिकनेस है प्लेट की दैट इज जो विड्थ है प्लेट की दैट इज इक्वल टू 200 mm। तो ये हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो गेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 200 माइनस 40 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 120 mm। तो गेज डिस्टेंस हमने कितना प्रोवाइड कर दिया है, 120 mm। सो ये हो गई हमारे क्वेश्चन की डिटेलिंग ओवर और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन अ डबल कवर बट जॉइंट। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि अगर आप पैकिंग प्लेट नहीं प्रोवाइड करते इस क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे जो दोनों प्लेट्स होती वो 18 mm थिकनेस की होती और हमें ये रिडक्शन फैक्टर 0.9 ना लगाना पड़ता तो हमारा जो ये वैल्यू आनी थी शेयर स्ट्रेंथ की एक बोल्ट की वो क्या आनी थी, 52 से ज़्यादा आनी थी। अगर आपको याद हो जब हम लैप जॉइंट या सिंगल कवर बट जॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमारी जो VDSB की वैल्यू आई थी दैट वाज इक्वल टू 29 किलो न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 29 किलो न्यूटन। तो ये किस में थी, ये सिंगल शेयर में थी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डबल शेयर है तो हमारी जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज करनी चाहिए थी। तो अगर डबल शेयर होता तो 29 into 2 डायरेक्टली होना चाहिए था, विच इज इक्वल, क्योंकि डबल शेयर हो रहा है। पर क्योंकि यहाँ पे हम पैकिंग प्लेट यूज कर रहे हैं, तो इस पैकिंग प्लेट की वजह से जो BPK एक्ट कर रहा है वो उसको कितने से रिड्यूस कर दे रहा है, 0.9 का रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और इस 0.9 के रिडक्शन फैक्टर की वजह से जो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी वो वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए थी 58 किलो न्यूटन, पर एक्चुअल में हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 52.15 किलो न्यूटन। और ये रिडक्शन क्यों है, ये रिडक्शन इसलिए है क्योंकि हमने पैकिंग प्लेट यूज करी है। सो ये आपने ध्यान में रखना है हमेशा कि पैकिंग प्लेट के यूज से हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है रादर देन इंक्रीज। In this lecture we covered double cover butt joints. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.